नमस्कार दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक यूट्यूब में जितने भी न्यू यूट्यूबर हैं जिसके व्यू कम आते हैं, जैसे कि एक दो व्यू आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको, आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो बनाने के बाद तुरंत आप अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको पता चलता है कि मेरे व्यू ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 2, 4, 5 इसी तरह से व्यू आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे एक सेटिंग होते हैं, तो जितने भी आज YouTube में जो सेटिंग है वो मैं सब आपको बताऊँगा किस तरह से आपको ऑन, स्टेप बाय स्टेप आपको ऑन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो YouTube के सेटिंग आप करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना होगा। गूगल क्रोम में जाने के बाद, यहाँ आप देख रहे हैं वीडियो में, तो गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको टाइप यहाँ पर करना है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए studio.youtube.com। ठीक है, स्टूडियो, देखिए स्टूडियो डालने के बाद डॉट डालते हैं तो बहुत सारा यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे देखिए स्पेस वाला आ गया। ठीक है, तो स्पेस वाला पे बहुत लोग क्लिक कर देते हैं। देखिए studio.youtube.com, तो इस तरह पे आपको क्लिक नहीं करना है, तो आपको ध्यानपूर्वक आपको देखना है स्पेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडियो, लिखा हुआ है ना, तो स्टूडियो के बाद देखिए स्पेस आया ना, तो स्पेस पे यहाँ पे नहीं करना है, स्पेस करेंगे तो दूसरी जगह आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडियो डॉट फिर youtube.com डालेंगे, बस यहाँ पे ऐसे इंटर मार देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इंटर मारने के बाद देखिए अपनी फेस एक चैनल डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह का, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देख लीजिएगा, आपको मैं बताना चाहता हूँ, लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिएगा सेटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, सेटिंग लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको सेटिंग में यहाँ जाना है। ठीक है, सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये पेज आपका खुल जाएगा जिसमें आपका लिखा हुआ जर्नल। ठीक है, डिफॉल्ट यूनिट में यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, करेंसी जो लिखा हुआ है इससे कोई दिक्कत नहीं है, इशू यूएस डॉलर लिखा हुआ है। तो फिर एक चैनल एक आएगा। ठीक है, चैनल में सबसे बड़ा पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग और फ्यूचर एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ ऑप्शन है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कंट्री रेसिडेंस, मतलब आप जिस चीज़, आप जैसे कि कंट्री मेरा इंडिया है। ठीक है, तो मैंने इंडिया यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो कई लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, कहीं जैसे कि यूएसए सेलेक्ट किया हुआ, कोई इटली सेलेक्ट किया हुआ, कोई हांगकांग सेलेक्ट किया हुआ, तो वो क्या क्या जो भी यूट्यूब जो रिकमेंडेशन जो करती है, तो उस जगह पे आपको देखेगी कि आपका चैनल तो हिंदी में, तो वो कैसे उसको अगला को फॉरवर्ड कर देगी। तो इसी तरह देखा जाता है कि जब भी आप पे वहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में कंट्री का जो रेसिडेंस है, जिस जगह पे आप रहते हैं, तो जैसे कि आप रहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो वीडियो होगा ऑस्ट्रेलिया का उसी को रिकमेंडेशन करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपका कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कीवर्ड। देखिए आप कीवर्ड मैंने बहुत तरह का डाला है, जिससे क्या है कि जो भी आपको सर्च करेगा चैनल में, ठीक है, जैसे कोई आपके फ्रेंड लोग सर्च कर रहे हैं कि आपका चैनल क्या नाम है, तो कार्तिक टेक लॉक कैप, तो सर्च करेंगे हैश कार्तिक टेक लॉक कैप, तो तभी तो खुलेगा। तो इस तरह से बहुत, एक स्पेस वाले, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, थोड़ा स्पेस देखिए, मतलब 6-7 को एक यहाँ पे कीबोर्ड आपको डाल देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आप कीबोर्ड नहीं डालेंगे तो आपको सर्च में आपका बिल्कुल नहीं आएगा। आप डाल देंगे ये सब चीज़ तो बिल्कुल, आप सर्च करेंगे आपका जो चैनल का नाम है तो आपका तुरंत वो आपका चैनल आपका शो करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है। तो सेकेंड पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, एडवांस सेटिंग। ठीक है, एडवांस सेटिंग में आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ तीन ऑप्शन दिया हुआ है, यस सेट चैनल द मेड फॉर किड, मतलब जो भी बच्चे किड्स हैं तो उनके लिए जो वीडियो रिलेटेड है वो आपको यस करना होगा, अदरवाइज वो बच्चे नहीं देख रहे हैं तो उसमें आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें चैनल नॉट मेड फॉर किड, मतलब ये बच्चे लोग के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स। ठीक है, नेवर अपलोड अ कंटेंट दैट मेड फॉर किड्स, तो यहाँ बिल्कुल आप नो सेलेक्ट कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर आपका आप नीचे और स्क्रिप्ट कीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउंस रिसीवर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, सिर्फ यहाँ पे सेव कर देना है। फिर एक फीचर एलिजिबिलिटी। ठीक है, फीचर एलिजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टैंडर्ड फीचर इसमें आता है, एक इंटरमीडिएट फीचर्स आता है, एक एडवांस फीचर्स आता है, तीन ऑप्शन आता है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन में सबसे पहले इनेबल करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इनेबल जब तक आप नहीं करेंगे, वेरीफाई होता है जिसमें आपका चैनल जो फ्री एक्टिवेट होता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस जो स्ट्राइक लगती है, तो ये आपको रिकमेंडेशन करती है, सबसे पहले आपको ये करना जरूरी है इनेबल। सेकेंड है इंटरमीडिएट फीचर। इंटरमीडिएट फीचर्स क्या है, तो इसमें भी आपको स्टैंडर्ड फीचर एनेबल होता है, एक वेरीफाई फोन नंबर का आपका मांगता है, तो इसमें भी आपको वेरीफाई फोन नंबर आपका मांगे, कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको एक OTP कोड जाएगा, उसके सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, थर्ड भी आपका ऑप्शन आप देख सकते हैं एडवांस फीचर, इसमें क्या है आपका वीडियो वेरीफिकेशन होगा, वैलिड ID आपको या चैनल का हिस्ट्री आपको, कोई चीज़ एक चीज़ आपको पर्सनली आपको मांगेगा। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको सेव कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चले जाइए यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, अपलोड डिफ़ॉल्ट में जाते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप रहने दीजिएगा,
ठीक है। यहाँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें सबसे पहले आपको वीडियो लैंग्वेज, जिस चीज़ का आप वीडियो बना रहे हैं ठीक है, उस चीज़ वीडियो लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी में बना रहे हैं, मलयालम में बना रहे हैं, मराठी में बना रहे हैं, इंग्लिश में बना रहे हैं, तो जो चीज़ आप वीडियो लैंग्वेज बना रहे हैं उसको यहाँ सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ हिंदी सिलेक्ट किया हुआ है, आप कोई भी लैंग्वेज जिस तरह से आप लैंग्वेज बोल रहे हैं वीडियो पे उस तरह का आपको लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना ठीक है। दूसरा है यहाँ पर लिखा हुआ कैप्शन, यहाँ इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको कुछ नॉन ही रहने दीजिएगा। और फिर यहाँ पे सबसे पहले लाइसेंस लिखा हुआ ठीक है, तो लाइसेंस में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएटिव कॉमन, इसको आप सिलेक्ट नहीं करना है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है ठीक है, ऑटोमेटिक चैप्टर इसमें। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कैटेगरी ठीक है, जो आप किस चीज़ के रिलेटेड आप वीडियो डाल रहे हैं, तो कैटेगरी आप डालना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी यूट्यूब जो आपका रिकमेंडेशन आपको जो करेगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आप कॉमेडी का बना रहे हैं ठीक है, तो कॉमेडी के रिलेटेड आप वीडियो को रिकमेंडेशन करना है, तो वो आपको कॉमेडी के रिलेटेड को आपको यूट्यूब आपको वहाँ पर रिकमेंड कर देगा ठीक है। दूसरी बात है कि अदरवाइज आप बना रहे हैं वीडियो गेमिंग का बना रहे हैं ठीक है, तो गेमिंग का बना रहे हैं आपने उसको पीपल ब्लॉग में आपको डाल के छोड़ दिया ठीक है, तो आपको पता नहीं चला, तो वो क्या यूट्यूब आपको जो वीडियो आपने बनाया गेमिंग वाला वो आपको रिकमेंडेशन नहीं करेगा ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप सिलेक्ट यहाँ करते हैं कैटेगरी ठीक है, जो कैटेगरी में बता रहे हैं करिकुलम जो होता है, करिकुलम जो कैटेगरी जो यूट्यूब जो आपको प्रोवाइड करती है, तो वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कि आप किस कैटेगरी का वीडियो बना रहे हैं ठीक है, तो गेमिंग का बना रहे हैं तो गेमिंग के रिलेटेड ही आप सिलेक्ट कीजिएगा। अच्छा फिल्म एनिमेशन बना रहे हैं तो फिल्म एनिमेशन का आपको सिलेक्ट करना है, म्यूजिक का है तो म्यूजिक का ही आप सिलेक्ट करना है, स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स का ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। इसमें बहुत सारा दिया हुआ ऑप्शन, अब जो आप चॉइस जिस आधार पर आपका वीडियो बना रहे हैं उसी पे आपको सिलेक्ट करके, और यूट्यूब तभी आपका करिकुलम यूट्यूब आपको तभी आपका रिकमेंडेशन करेगा ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरा ऑप्शन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये तो आप समझ लिए, अब यहाँ पर लैंग्वेज मैंने बता ही दिया था आपको, यहाँ लाइसेंस के लिए हो गया, कैटेगरी हो गया और वीडियो लैंग्वेज, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ठीक है। टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, यहाँ तो आप टाइटल हिंदी इंग्लिश को भी दे सकते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है। और कमेंट में यहाँ ऑल अलाउ ऑल कमेंट पर यहाँ कर देना है, और यहाँ पर सेव क्लिक कर देना, कुछ नहीं करना, परमिशन को क्लिक में नहीं जाना है, आपको यहाँ पर शो करेगा ऑनर आप किस नाम पर है, कम्युनिटी में आपको छोड़ दीजिएगा ठीक है, एग्रीमेंट में यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो आपको पहला ही आपको मैंने सेटिंग के बारे में इतना बता दिया, तो ये आपको बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप दिमाग में रखिएगा, अपने माइंड में भी क्लोज में रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात है, दूसरी बात आप चले जाइए यहाँ पे, आपको बताना चाहता हूँ ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ कस्टमाइजेशन ठीक है, कस्टमाइजेशन में आप जाते हैं तो यहाँ सबसे पहला चैप्टर चैनल ऑफ द कस्टमाइजेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो पे ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले यहाँ लिखा चैनल टेलर फॉर द पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब, तो मतलब क्या होता है, जो भी आपको जो जो सब्सक्राइब जो चैनल नहीं किए होंगे, जब भी कोई भी नए आपके यहाँ पे यूट्यूब पे जो सर्च कर रहे हैं ठीक है, तो आपके नाम से जो भी सर्च करेंगे, तो सबसे पहले जो चैनल आपका जो जो सब्सक्राइब किए होंगे, तो वो लोग ये चैनल ये आपको दिखेगा ठीक है। तो अदरवाइज जो न्यू कंटेंट जो आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए आपको सर्च करने सब्सक्राइब करने, तो सबसे पहले आपको ये वीडियो उनको शो करेगा ठीक है। और यहाँ फ्यूचर वीडियो रिटर्निंग सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें क्या है कि आपको एक और वीडियो आप डाल सकते हैं, जो भी आपको वीडियो आपको अच्छा लगे, जिसका आपका व्यू अच्छा है, तो उसको आप वीडियो को आप डाल सकते हैं यहाँ पे ठीक है। ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है सब वीडियो, तो आप फिर एक ब्रांडिंग में आप चले जाइएगा, ब्रांडिंग में क्या सबसे बड़ा फीचर्स इसमें दिया हुआ है कि पिक्चर्स ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो लोगो होता है, लोगो एक अच्छा सा बनाएंगे तभी आप पब्लिक आप पर एक्टिव होगी, तो इसलिए लोगो एक फर्स्ट क्लास एक बना दीजिए जिससे आपको एक्टिव करें। और प्लस एक बैनर, बैनर इस तरह से बनाएंगे कोई भी आप पे जब विजिट करेगा तो इस पे आपको लोगो पे आपको दिखेगा, एक्टिव होगा, तभी आपका चैनल आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा ठीक है। और वीडियो एक वाटरमार्क यहाँ लिखा हुआ है कि लास्ट में इन पे डिस्प्ले पे आप डाल सकते हैं अपना लोगो जो भी हो, जो लास्ट में एंड में आपका शो करेगा ठीक है। ये तीन चीज़ आप डाल सकते हैं। और प्लस आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्क्रिप्शन है, जिस चीज़ का वीडियो बना रहे हैं तो आपको इसी के पे मेंशन कर देना है ठीक है, कि जैसे मैं मेकिंग वीडियो यूट्यूब में मैंने डाला है, तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अच्छी तरह से लिख बना के लिख देना है कि भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, किस चीज़ के रिलेटेड आप टाइमिंग पे आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, डेली अपडेट कर रहे हैं या सप्ते में दो दिन अपलोड कर रहे हैं या मंथली में चार वीडियो अपलोड कर रहे हैं ठीक है, तो तभी आप आपको यूट्यूब जो है रिकमेंडेशन आपको आगे करेगा ठीक है। तो ये सब सेटिंग ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए चैनल ऑफ यूआरएल है ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे को मिल चुका था ठीक है, यूआरएल सेटिंग एक आता है, 100 सब्सक्राइबर जब हो जाएगा तब आपको यूआरएल मिलता है लिंक, जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर एक यहाँ दिया हुआ लिंक ठीक है, लिंक आपका दिया हुआ, जिसमें आपका दिया हुआ कि आप
जितना भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेरा फेसबुक का था तो मैंने फेसबुक का लिंक ऐड किया था, ट्विटर का किया था, इंस्टाग्राम का भी मैंने ऐड किया, यहाँ पे लिंक्डइन का भी मैंने ऑन किया है, यहाँ पे मेरा यूट्यूब का भी है। तो मैंने इतने जो जो मेरे पास लिंक थे, लेकिन लिंक और बैनर का फर्स्ट लिंक मैंने यहाँ पे किया हुआ, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को मैंने बताया कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से चैनल का आप सब्सक्राइब करते रहेगा तो मैं बहुत आप लोग का आभारी रहूँगा, और इसी तरह मैं चैनल आप लोग के लिए अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रहिए कि जिसके भी एक दो व्यू आ रहे हैं, तो ये जितने भी जो मैंने अभी सेटिंग बताए हैं, सेटिंग आप लोग ऑन कर लेना, तभी आपके 100% मैं गारंटी बोलता हूँ, आपके 1 से 2 वीक में आपके ऑलरेडी आपके व्यू आपके बढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो आप लोग न्यू यूट्यूबर है तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और आप लोग को मैंने बता दिया है कि बिना यूट्यूब आपका ये सब सेटिंग आप ऑन नहीं करते हैं तो रिकमेंडेशन आपका नहीं करेगा। और दूसरी बात है, जो यूट्यूब की जो कैटेगरी है आपका कैरिकुलम है, तो यूट्यूब में जो कैरिकुलम जो आप जो कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं उसी कैटेगरी में आपको वीडियो को उसको सेव कैटेगरी आपको चॉइस करना है, तभी आपको यूट्यूब जो है कैरिकुलम है आपको आगे आपको वीडियो को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब बातें को ध्यान दीजिए, जितने भी सेटिंग है आप लोग इसको ऑन कर लीजिए, और आप लोग के लिए बहुत बहुत आभारी, आप लोग का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद।